सैमसंग A5 2019 एडिशन। हाँ गाइस, आप लोगों को यहाँ पता है सैमसंग ने अपना A5 लॉन्च किया था 2017 में, 18 में, फिर 2019 में, अभी तक भाई सैमसंग जो A50 आ रहा है, A50s आ गया। बट गाइस यहाँ पे सैमसंग अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है A5 2019 एडिशन, जो आपको देखने मिलने वाला है यहाँ पे रेडमी 8A का एक कॉम्पिटेटर जैसा एक स्मार्टफोन। क्योंकि आप लोग बताए रेडमी 8A यहाँ पे रेडमी ने ना लॉन्च करके भाई यहाँ पे सैमसंग को वो बहुत ही वो कर दिया, क्योंकि सैमसंग उस प्राइस में इतना बढ़िया फोन नहीं है। तो अब यहाँ पे सैमसंग जो अपना एक नया फोन लेके आने वाला है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A5 2019, और इस फोन में हम बात करने वाले हैं इसी फोन के बारे में कि क्या फोन होने वाला है, कैसा फोन होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लिए सब्सक्राइब देखा आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सैमसंग का A5 2019 वाला फोन होने वाला है, ये बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होगा। और ये जो रेडमी 8A आया है ना भाई, जो मतलब इतना हाइप बनाई हुई है 6499 में, तो उसको भाई यहाँ पे ये कम्पीट करने आने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ उसके बारे में, ऐसी कोई ज्यादा लीक्स नहीं आई है, बट मैं बात कर लेता हूँ जो एक्सपेक्टेशन है हमारी। सबसे पहले बात करता हूँ इस फोन के डिजाइन के मामले में। डिजाइन जैसे हमें यहाँ पे A50 का मिला, अभी कुछ नए नए कलर्स मिले, जैसे आपने देखा A70 में भी जो नए कलर्स आए ना, पॉलीकार्बोनेट की फील होती है, बट लुकिंग जो थोड़ा वो है वो अच्छा कर देता है यहाँ पे सैमसंग। तो वही इसमें भी हमें देखने मिल जाएगा, जैसा A5 2019 में पॉलीकार्बोनेट होगा, बट डिजाइन देखने में अच्छा होने वाला है। डिस्प्ले में बात करता हूँ तो डिस्प्ले यहाँ पे हमें एक HD+ डिस्प्ले मिलने वाला है, बट यहाँ पे सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, जो सैमसंग की हमें खासियत है। आपको पता है सैमसंग जो डिस्प्ले होता है बहुत ही बढ़िया होता है, तो हमें एक एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलने वाला है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले इन्फिनिटी नॉच इसमें आपको इस प्राइस में, तो मुझे लगता है इन्फिनिटी नॉच होगी अब यहाँ पे, तो लेस नहीं मिलने वाला। तो डिस्प्ले बोल सकते हैं बढ़िया, आपको एग्रेसिव डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले देखने मिल जाने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हो, परफॉर्मेंस के बारे में अभी यहाँ पे कोई भी खबर नहीं है, बिकॉज ये देखो ये फोन 10,000 रुपए के नीचे ही आने वाला है। तो अब यहाँ पे हमें कौन सा प्रोसेसर देखने मिलेगा ये अभी तो कुछ भी नहीं हमें पता है। मुझे इतना लगता है स्नैपड्रैगन 625 या तो 636, बहुत सारे नए नए चिपसेट है, तो ये अभी तो पुराना है जो मैंने आप लोगों को बताया, बट हाँ हो सकता है कोई ना कोई चिपसेट नया आप यहाँ पे सैमसंग यूज करें, या तो अपने एक्सिनोस के चिपसेट जो है उसको यूज करें, लेट्स सी। तो परफॉर्मेंस अभी यहाँ पे कोई खबर नहीं है, बट कैमराज यहाँ पे गई जैसे रेडमी 8A में आपको सिंगल कैमरा मिला, इसमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें डुअल कैमरा देखने मिलेगा या तो ट्रिपल सेटअप मिलेगा। यहाँ पे मेन सेंसर अभी हमें नहीं पता कितने मेगापिक्सल है, कितना क्या है, बट हाँ अच्छा होगा, हम सैमसंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा ही देगा, क्योंकि रेडमी जो है मतलब बैटरी उन्होंने अच्छी दे दी, बट यहाँ पे इस फोन में भी कैमरेज आपको बढ़िया देखने मिलेंगे। फ्रंट कैमरा भी आपको इन्फिनिटी नॉच के साथ कुछ मतलब 16 मेगापिक्सल ऐसे कुछ मिल जाएगा। एंड वहीं पे आप बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में गाइस, बिकॉज बैटरी रेडमी 8A की हमें 5000 mAh बैटरी मिलती है और टाइप सी भी उसमें दिया गया है। अब इस फोन में क्या हमें बैटरी देखने मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं जितनी बात यहाँ पे लीक्स निकल के आ रही है कि इस फोन में भी हमें कुछ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, इसमें भी टाइप सी होता है कि नहीं भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि सैमसंग के ज्यादातर फोन ना उसमें टाइप सी नहीं मिलता है, मतलब जो बजट सेगमेंट वाले फोन होते हैं। तो हो सकता है गाइस जिसमें हमें माइक्रो USB फिर से देखने मिल जाए, बट बैटरी बढ़िया होने वाली है इस फोन की, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ। तो गाइस अब UI और बात करता हूँ, एंड्रॉइड इन ऑर्डर बॉक्स आएगा, और ये जो है शायद बोले यार एंड्रॉइड 10 भी हो सकता है ऑर्डर द बॉक्स, अब 9 क्योंकि अभी मतलब 10 आने वाला है, और One UI 2.0 भी जब तक आ गया तो आ गया उसके साथ आ जाएगा ये फोन, बट लेट्स सी। एंड गाइस ये पूरा सैमसंग का A5 2019 जैसे मैंने बोला अभी उसके बारे में उतना कोई कंफर्मेशन कुछ नहीं निकल के आई है, बट बताया जा रहा है ये फोन आपको बहुत जल्दी देखने मिलने वाला है इंडिया मार्केट के अंदर। तो लेट्स सी, एंड जल्दी से जल्द तो मैं बोलूंगा सैमसंग को अपना ये नया स्मार्टफोन सैमसंग मार्केट में लॉन्च कर दे, तो बढ़िया यहाँ पे सैमसंग करने वाला है। और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग क्या लगता है, और अब क्या A7 आएगा, A5 आएगा, 2019 वाले फोन आएंगे, क्योंकि पहले सैमसंग लॉन्च करता था, बट इस साल अभी हमने तो देखा नहीं है। लेट सी, वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को लो सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।